जो तमाम हमारे देश के अंदर जो तेल आता है उसके अंदर लगभग लगभग 50% इन मुसलमान देशों से आता है, इन मुसलमान देशों से आता है। हमारे हमारी जो विदेशी मुद्रा के अंदर कमाई है, मैं सरकारी आंकड़ा आपको बता रहा हूं, सरकारी आंकड़ा जो राज्यसभा के अंदर पेश किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सारी दुनिया से जो हमारे देश में विदेशी पैसा कमाया जाता है उसके अंदर 23% लगभग अमेरिका से आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 18% आता है, सऊदी अरबिया से 5% आता है, कुवैत से 2% आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 18% आता है, कुवैत से 2.4% आता है, यानी ये जो कुल कमाई है उसका 34% इन छोटे छोटे 5-6 मुसलमान देशों से आता है। कहो कि हम वो मुद्रा नहीं लेंगे, अपने बाप दादा चाचा को, चाहे वो मोदी हैं, चाहे चाहे खट्टर हैं या कोई दूसरे खट्टर हैं, उनको बोलो कि ये विदेशी मुद्रा लेना बंद करो, ये मुसलमानों के पास से आ रही है। जुनेद और नासिर को कौन मारता है? जुनेद और नासिर को वो एक गरीब हिंदू के बच्चे से मरवाते हैं। ये अस्पतालों के अंदर बाहर जाके धरना लगाओ ना, किसी मुसलमान का इलाज नहीं करेंगे। यहाँ यहाँ बड़े बड़े सारी दुनिया के पैमाने के यहाँ बड़े बड़े होटल हैं, उन वहां पर जाकर कहो ना उनसे कि वहां मुसलमान को किसी क्लाइंट को नहीं रखेंगे, किसी गेस्ट को नहीं रखेंगे। अरे ब्राह्मणिज्म का इतिहास है कि तुम कमजोर को दबाते हो और जो मजबूत होता है उसके तुम चटवे तलवे चाटने लगते हो, यही तुम आज यहां पर कर रहे हो। कहां कहां मेवाती लड़ रहे हैं, कहां कहां उनका कत्लेआम किया जा रहा है, आगरा के अंदर, ग्वालियर के अंदर, दिल्ली के अंदर, कानपुर के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, कोटा के अंदर, आप उसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि मेवाती जो है, और मेवातियों ने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, इन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, इन्होंने कभी जो गुलाम राजा थे उनके सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनके गुड़गावा के अंदर मुसलमान हजारों की तादाद में छोड़कर जा रहे हैं, और ये मुसलमान कौन है वो भी मैं आपको बता दूं, ये मुसलमान है जो कबाड़ का काम करते हैं, मुसलमान है जो सब्जी बेचते हैं, जो मुसलमान है कुछ अंडा वगैरह बेचते हैं, फल बेचते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, ये कूड़ा जमा करते हैं, इन मुसलमानों से खाली कराया जा रहा है। और उसकी हालत यह है डॉक्टर रतलाल के गांवों के अंदर ढोल पिट रहा है, डफली पिट रही है, माइक लगाकर 50-60 लफंगे जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता कह रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं, वो आप उनका सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे ये क्या हो रहा है। दुकानदारों, अगर तुम्हारे यहाँ कोई भी मुसलमान काम करता है उसको बाहर निकाल दो। मकान मालिकों, तुम्हारे यहाँ कोई भी किराएदार मुसलमान है उसको बाहर निकाल दो, किराए पर नहीं देना है। तुमने किसी मुसलमान का से सामान खरीद रहे हो वो नहीं। पहले किसान आंदोलन, फिर महिला पहलवानों का प्रदर्शन, आजकल नूह के बहाने हरियाणा, फिर चर्चा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हरियाणा के मिट्टी से साझे संघर्ष की उपजी विरासत क्या है, इस एपिसोड में यही चर्चा करने वाला हूं। थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं, उसका सीधे शमसुल साहब के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि हरियाणा की मिट्टी से उपजी संघर्ष की विरासत क्या क्या है। 1557 हसन खां मेवाती राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ लड़े। 1857 राव तुला के साथ 3000 में मुसलमान शामिल हुए। 1857 के विद्रोह में 350 में मुसलमान शहीद हुए। चौधरी यासीन खान और सर छोटू राम एक साथ किसानों के टैक्स के खात्मे के लिए और आर्थिक सुधार के लिए अंग्रेजों से हरियाणा में लड़े। ये संक्षिप्त इतिहास बता रहा हूं, उसके बाद सीधे शमसुल साहब के पास स्वागत है सर जी।
जय भीम इनकलाब जिंदाबाद मेरे प्यारे दोस्त। पिछली बार हमने बातचीत की थी नूह में जो कुछ हो रहा है, और ऐसा लगता था कि वहाँ स्थितियाँ सुधरेंगी, लेकिन स्थितियाँ खराब होती चली जा रही हैं। और मैं क्योंकि पार्टीशन का भी एक शोध करता हूँ, पार्टीशन में जो कुछ हुआ था, मैं आपको बहुत यकीन के साथ अपने साथियों को बताना चाहता हूँ, और बहुत बहुत दुख के साथ, कि इस इलाके के अंदर 47 दोहराया जा रहा है। यानी मुझे लग रहा है कि 1947 के बाद जो तमाम प्लान की जो दास्तानें सुनी थी, इस वक्त हरियाणा में और खास तौर पर गुड़गावा के अंदर हो रहा है। गुड़गावा के अंदर मुसलमान हजारों की तादाद में छोड़कर जा रहे हैं, और ये मुसलमान कौन है वो भी मैं आपको बता दूं। ये मुसलमान है जो कबाड़ का काम करते हैं, मुसलमान है जो सब्जी बेचते हैं, जो मुसलमान है कुछ अंडा वगैरह बेचते हैं, फल बेचते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, ये कूड़ा जमा करते हैं। इन मुसलमानों से खाली कराया जा रहा है। और उसकी हालत ये है डॉक्टर रतलाल के गांवों के अंदर ढोल पिट रहा है, डफली पिट रही है, माइक लगाकर 50-60 लफंगे, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता कह रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं, वो आप उनका सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे ये क्या हो रहा है। दुकानदारों, अगर तुम यहां कोई भी मुसलमान काम करता है उसको बाहर निकाल दो। मकान मालिकों, तुम्हारे यहाँ कोई भी किराएदार मुसलमान है उसको बाहर निकाल दो, किराए पर नहीं देना है। तुमने किसी मुसलमान का से सामान खरीद रहे हो, वो नहीं, मुसलमान को बेच रहे हो, इसके बारे में चुप रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि जब मुसलमान रहेंगे ही नहीं तो ये उसको बेचने का सवाल भी खत्म हो जाएगा। जो यहाँ पर रेड़ी पटरी वालों का जो यूनियन है, उसने कहा है कि पिछले 3-4 दिन के अंदर 5,000 खोंचे वाले चले गए हैं छोड़कर मुसलमान। कितनी जगहों पर, यानी मस्जिदें और ये सब तो छोड़ दीजिए, मजार छोड़ दीजिए, कितने कबाड़ की जो है, जो छोटा मोटा धंधा करते हैं, घर घर घूमकर वो अखबार खरीदते हैं, पुराना लोहा खरीदते हैं, साइकिल टायर खरीदते हैं, गत्ता खरीदते हैं, उनके कितनी जगह जला दी गई हैं। और ये जो ढोल पिट रहे हैं कि मुसलमानों से इस इलाके को खाली कराओ, ये बाकायदा बहुत संयोजित हैं। और ठीक है, ये तो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं, और बजरंग दली और विश्व हिंदू परिषद का ही यहाँ मुख्यमंत्री है, यहाँ का होम मिनिस्टर है, वो समझ में आता है। लेकिन पुलिस वालों ने तो वर्दी पहनी हुई है, उन्होंने तो भारत की जो संविधान है उसके हिसाब से तनख्वाह मिलती है, उन्होंने उसके लिए एक शपथ ली है, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी हुई है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। फिर उनका हमें बताया जाता है, काउंसिलिंग भी होती है कि उन्होंने किस तरह का व्यवहार करना है, लेकिन वो तो व्यवहार बिल्कुल कर रहे हैं चेतन सिंह की तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है, कुछ रोका नहीं जा रहा, कोई आंसू गैस का गोला नहीं छोड़ा जा रहा है, उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही है, बिल्कुल उसी तरह से रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही है जो सोमवार के दिन जब नूह पर ये हथियार लेकर ये लोग गए थे, सब तरह के हथियार लेकर गए थे, और मंदिरों से जब ये गोलियां चला रहे थे, तो उस जिस तरह से पुलिस वाले चुप बैठे थे, बिल्कुल उसी तरह का है। और बदकिस्मती से ये लग रहा है कि ये देश को तोड़ने का पूरा इंतजाम है, और इस देश को तोड़ने की जिम्मेदारी इन गुंडे इन लफंगों की तो है ही, लेकिन मैं पुलिस के अफसरों को बताना चाहता हूं, आप भी इतिहास में गिनती में आएंगे। आप भी, जो मैडम सुना है कि यहां पर एक पुलिस कमिश्नर है, वो भी अपनी जिम्मेदारी से मैडम आप नहीं बच पाएंगी, बहुत शर्मनाक है। लेकिन डॉक्टर रतनलाल, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो जिससे बहुत जिंदा रहने का भी बहुत लगता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हरियाणा के गांवों के अंदर इस गुंडागर्दी के खिलाफ किसानों के पंचायतें हो रही हैं। यहाँ के ट्रेड यूनियन के लोग हैं, खासतौर पर गुड़गावा के, मानेसर के, उन लोगों ने एक स्टिकर बनाया जिसकी हजारों कॉपियां लेकर वो गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं, और
पंचायतों के अंदर उसको बांट रहे हैं और लोग ले रहे हैं उसको, उनको लोग सैकड़ों की तादाद में लेकर उसको सब जगह चिपका रहे हैं। और वो क्या क्या है वो स्टिकर, डॉक्टर डॉक्टर रतनलाल जी उसके बारे में हमने शायद पहले भी बात की थी, लेकिन मैं फिर आज आपको बताना चाहता हूं, ये स्टिकर है और मैं आपसे चाहूंगा कि आप स्टिकर को जरूर लगाएं डॉक्टर साहब। मैं लगाऊंगा, हमने लगाएंगे कि इनमें से बहुत सारे लोग अपने आप को राजपूत कह रहे हैं, लेकिन क्या ये जानते हैं कि राजपूतों का एक बड़ा लीडर जो बाबर के बड़ा राजा जो बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए जिसने कई लड़ाइयां लड़ी, इब्राहिम लोदी को कई लड़ाइयों में हराया, उनका मुख्य सेनापति कौन था? हसन खान मेवाती। और हसन खान मेवाती जिस लड़ाई के अंदर राणा सांगा की सेना हारी, उसके अंदर ये शहीद हुए थे, ये शहीद हुए थे, डॉक्टर रतन लाल ने तारीख बताई थी 17 मार्च 1527 को। 1857 के अंदर डॉक्टर रतन लाल ने बताया है कि राव तुलाराम जी की जो सेना थी उसमें हजारों मेव थे, हजारों मेव थे और सैकड़ों मेव उस शहीद हुए थे उनकी लड़ाई में, जो जो लड़ाई क्या जगह है उसके अंदर जो लड़ाई लड़ी गई थी, और उसमें कुछ गद्दारों की वजह से और जो नागा साधु थे उनके पीछे हमला करने की वजह से ये सेना हार गई थी, और राव तुलाराम जी फिर अफगानिस्तान के राजा से मदद के लिए चले गए थे, लेकिन उसमें मेवातियों ने बड़ी बड़ी तादाद में कुर्बानियां दी थी। उसके बाद राजा नाहर सिंह की सेना के अंदर सैकड़ों मेवाती थे, और डॉक्टर रतन लाल क्योंकि मेरा 1857 पर काम है, मैंने 1857 1858 1859 के अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट है जिनको गजट कहते हैं उस गजेटियर्स को कंप्यूटर में डाला है, उसका अनुवाद किया है, उसको कंप्यूटर में डाला है, और उस कंप्यूटर में आप मेवाड़ डालिए, मेवाती डालिए, सैकड़ों संदर्भ आ रहे हैं कि मेवातियों ने कहां विद्रोह किया, अंग्रेजों ने अपने प्लाटून को भेजा वहां मारने के लिए वो, और कहां कहां मेवाती लड़ रहे हैं, कहां कहां उनका कत्लेआम किया जा रहा है, आगरा के अंदर, ग्वालियर के अंदर, दिल्ली के अंदर, कानपुर के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, कोटा के अंदर, आप उसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि मेवाती जो है, और मेवातियों ने कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, इन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, इन्होंने कभी जो गुलाम राजा थे उनके सामने कभी घुटने नहीं टेके, उनके साथ ये हाल किया जा रहा है। अच्छा, अगली बात डॉक्टर साहब जो मैं अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि ये किनको निकाल रहे हो, गरीबों को जो भूखे नंगे हैं, जो ठेला लेकर घूमते हैं, जो साइकिल पर घूमते हैं, यहाँ पर 5 सितारा 7 सितारा होटलों की तरह अस्पताल हैं, और इन अस्पतालों का जो बहुत बड़ा धंधा है वो जो गल्फ से, जो इंडोनेशिया से, जो मलेशिया से, जो अफगानिस्तान से मुसलमान मरीज आते हैं, खरबों रुपए यहां पर खर्च करते हैं, वो विदेशी मुद्रा यहां पर खर्च करते हैं। यहां पर गुड़गांव के अंदर आप किसी केमिस्ट की दुकान पर चली जाइए, वहां अंग्रेजी में नहीं लिखा हुआ है केमिस्ट की दुकान, वहां अरबी में लिखा हुआ है, वहां फारसी में लिखा हुआ है, वहां पुश्तो में लिखा हुआ है, वहां जाकर बंद कराओ ना तुम्हारा ये अस्पतालों के अंदर, बाहर जाके धरना लगाओ ना, किसी मुसलमान का इलाज नहीं करेंगे। यहां बड़े बड़े सारी दुनिया के पैमाने के यहां बड़े बड़े होटल हैं, उन वहां पर जाकर कहो ना उनसे कि वहां मुसलमान को किसी क्लाइंट को नहीं रखेंगे, किसी गेस्ट को नहीं रखेंगे। अरे ब्राह्मणिज्म का इतिहास है कि तुम कमजोर को दबाते हो और जो मजबूत होता है उसके तुम तलवे चाटने लगते हो, यही तुम आज यहां पर कर रहे हो। मुगलों को तुमने अपनी लड़कियां ब्याही, मुगलों के तुम दामाद बने, मुगलों के तुम साले बने, मुगलों के तुम मामा बने, और ये मुसलमान जो कमेरे हैं, जो शूद्र हैं, जो सबसे नीची जातियों से आते हैं, जो सबसे नीचे के पायदान पर हैं, तुम उनसे बदला ले रहे हो, तुम उनसे हिसाब किताब कर रहे हो। और ये मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हरियाणा के दो जस्टिसेस का, हरियाणा के दो जस्टिसेस जिन्होंने कहा है कि आप यहां पर एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, आप मुसलमानों के सफाए का अभियान चला रहे हैं, आपने किस आधार पर घर मकान छोड़े हैं, और अगर कुछ कुछ मकान इलीगल बने हुए हैं तो मुझे लग रहा है
ये हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहना चाहिए कि हरियाणा में जितने भी इलीगल घर हैं सबको तोड़ा जाए। अगर इस काम को करोगे तो ये जो उनके ये जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के यहां पर मंत्री बैठे हैं और डॉक्टर रतनलाल, एक और मजे की बात है, जो ये बच्चे मारे गए हैं बजरंग दल के, ये सारे कमेरों के बच्चे हैं, इनके मंत्रियों का कोई बच्चा नहीं गया वहां पर हिंसा करने, ना जवाबी हिंसा का शिकार हुआ। ये जो मंत्री हैं जा रहे हैं, एमएलए हैं आरएसएस के, इनके बच्चे कोई नहीं है बजरंग दल के अंदर। ये सिर्फ गरीब हिंदुओं को, अब ये जो मोनू मनेसर है, इसके पिताजी जो हैं एक बस के ड्राइवर थे, एक बहुत छोटे छोटे किसान हैं ये, इनको आपने, ये चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदार चाचे भतीजे और वो नहीं है इसके अंदर। ये जो बीजेपी आरएसएस के एमएलए हैं उनके कोई बच्चे नहीं है इस काम को करने के लिए। जुनेद और नासिर को कौन मारता है? जुनेद और नासिर को वो एक गरीब हिंदू के बच्चे से मरवाते हैं। और आखिरी बात जो आपको चौंकाएगी लेकिन जिसको जानना जरूरी है, मैं इन इन हिंदुत्व के बहादुरों से, जो मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है, उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर तुमने बाइकॉट करना है तो पेट्रोल पंप पर जाकर कहो कि इसमें ईरान का तेल तो नहीं है, इसमें कतर का तेल तो नहीं है, इसमें सऊदी अरब का तेल तो नहीं है, इसमें यूएई का तेल तो नहीं है, इसमें अबू धाबी का तेल तो नहीं है। डॉक्टर रतन लाल जी, जो तमाम हमारे देश के अंदर जो तेल आता है उसके अंदर लगभग 50% इन मुसलमान देशों से आता है। हमारी जो विदेशी मुद्रा के अंदर कमाई है, मैं सरकारी आंकड़ा आपको बता रहा हूं, सरकारी आंकड़ा जो राज्यसभा के अंदर पेश किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि सारी दुनिया से जो हमारे देश में विदेशी पैसा कमाया जाता है उसके अंदर 23% लगभग अमरीका से आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 18% आता है, सऊदी अरबिया से 5% आता है, कुवैत से 2% आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 18% आता है, कुवैत से 2.4% आता है, यानी ये जो कुल कमाई है उसका 34% इन छोटे छोटे 5-6 मुसलमान देशों से आता है। कहो कि हम वो मुद्रा नहीं लेंगे, अपने बाप दादा चाचा को, चाहे वो मोदी हैं, चाहे खट्टर हैं या कोई दूसरे खट्टर हैं, उनको बोलो कि ये विदेशी मुद्रा लेना बंद करो, ये मुसलमानों के पास से आ रही है, ये मुसलमान देश से आ रही है। और एक लोकसभा के अंदर जो आंकड़ा पेश किया गया 9 दिसंबर 2022 को, बहरेन के अंदर 3,08,066 भारतीय काम करते हैं, कुवैत के अंदर 9,24,687 काम करते हैं, ओमान के अंदर 6,53,500 काम करते हैं, कतर के अंदर 8,44,499 काम करते हैं, सऊदी अरब के अंदर 24,64,464 काम करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 35,54,274 काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कॉल करो के सारे हिंदू वहां से वापिस आ जाएं, हम मुसलमानों से कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। इनमें से 80% हिंदू हैं, लेकिन वो भारतीय के तौर पर गए हैं, वो हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं गए। अरे आओ ना मैदान के अंदर, वहां तो मंदिर बनाने के लिए तो वहां जमीन भी मिली है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी के अंदर बन रहा है, और ये शुक्र करो कि वहां के मुसलमान कम्युनल नहीं है, वहां के मुसलमान बदला लेने के हिसाब से नहीं करेंगे, बहुत अच्छा है। सारी दुनिया के मुसलमान देशों में आप जो कर रहे हो हरियाणा में, उसका कोई विद्रोह नहीं हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, तुम यहां 22 मस्जिदें हैं जिसमें से केवल 10 कानूनी है, उसके अंदर भी आप जो है एक जो आपने आपने सरकार ने दिया है उसको आप बनाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं तुमको, अगर तुम हिंदुत्व के सिपाही हो और भारत माँ की जय और जय श्री राम करते हो, तो तुम रोको, कहो कि सारे हिंदू वापिस आ जाए गल्फ से, मैंने आंकड़ा दिया है।
34% विदेशी मुद्रा तुम मुसलमान देशों से कमाते, उसको लात मारो, उसको लात मारो कि हम नहीं करें। बाबा रामदेव जिसने हलाल का सर्टिफिकेट दिया है, लिया है 10 करोड़ रुपए देकर, 10 करोड़ रुपए देकर हलाल सर्टिफिकेट लिया है, उसको कह के राम बाबा तू या तो हिंदुओं के साथ रहे या उन मुसलमानों के साथ रहे, करो ना बहादुरी के साथ। अरे तुमने सारे इतिहास के अंदर दलितों को शूद्रों को जलाया है, तुमने उनको बलात्कार किए, उनको मारा है, उनके उनके कानों के अंदर तुमने सीसा डाला है, उबलता हुआ तेल डाला है, तुमने उसके हाथ पैर काटे हैं, और जो तुमसे ताकतवर आया उसको तुमने अपने बच्चियां भी आई हैं, अपने रिश्तेदार अपने कुल में, तुम उनके दामाद बने हो, बहादुर हो ना, तो तीन काम कर दो जी रतनलाल जी, तीन काम कर दो, सारे हिंदुओं को मुसलमान देशों से बुला लो, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, लात लगाएंगे तुमको कि हम भारतीय के तौर पर आए हैं, हिंदू मुसलमान के तौर पर नहीं आए हैं। दूसरा तुम ये कर दो, ईरान जिस पेट्रोल पंप में जाते हो हरियाणा के अंदर, उसके अंदर पूछो पहले ये तेल कहां से आया है, पेट्रोल पंप वालों को मजबूर करो कि वो बताएं कि यहां पर लिखे कि ये मुसलमान देश से तेल नहीं आया है, लिखो, करो ना, दिन के अंदर आगार हो जाएगा आपका, करो ना, कितने बहादुर हो जी। डॉक्टर राही मसूम रजा अभा गांव जी, जहां तक मुझे याद है, बहुत काफी समय पहले पढ़ा था, वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि इमाम में से अगर बाड़ा निकाल दो तो न मतलब नहीं रहा है, कुछ याद होगा आप, भारत की समाज व्यवस्था इसी तरह कुछ मिली जुली है कि अगर कबाड़ खाने में जितने मुसलमान काम करते हैं अगर वो वहां से चले जाए तो आखिर कबाड़ चुनेगा कौन, उठाएगा कौन, बेचेगा कौन, खरीदेगा कौन, वो शूद्र और दलितों से करवाएंगे। मुर्दा गाय को हटाने के साथ जो किया था, यानी जो किया था और उसका जो उसकी जो कीमत आप भोग रहे हैं वो सबको पता है, लाशें सड़ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, उनको कहाँ कहाँ गायें कूड़ा खाती और गोबर मतलब तमाम गंद खाती घूम रही हैं, उनके पेट में प्लास्टिक जा रहे हैं साथी, ये कितने पाखंडी है, लेकिन बदकिस्मती से आम तौर पर न्यायपालिका चुप है, और हरियाणा की पुलिस तो पूरे के तौर पर कुछ अपवादों को छोड़कर ये पूरा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के मेंबर बनते हैं, ऐसा लग गया है, ऐसा हो गया है, और हाई कोर्ट हरियाणा हाई कोर्ट कह रही है कि आप ये जो है गुंडागर्दी कर, आप जर डॉक्टर रतनलाल जी, मैं हिंदुत्ववादियों के जो वीडियो देख रहा हूं आप उसको आधा मिनट के लिए नहीं देख सकते हैं, जो वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, मतलब शर्मनाक है। भाई जान के दुकान से मत खरीदो, भाई के दुकान से खरीदो। हाँ जी तो भाईजान का पेट्रोल भी मत लो, भाईजान का है, भाईजान का पेट्रोल मत लो, भाईजान से 34% ये मुद्रा मत लो, भाईजान जो बाकी सारा छोड़ो, पेट्रोल और इसको छोड़ो, तुम जो 7 सितारा होटल अस्पताल खुले में तुम उसमें कहो ना जाके, तोड़फोड़ करो उसके उसके फ्रंट हाउस पे जाके तोड़फोड़ करो और कहो कि यहाँ कोई मुसलमान पेशेंट को नहीं रखोगे तुम, सारी केमिस्ट की दुकानों को आग लगाओ, वहां तो अरबी में लिखा हुआ है, वहां तो पुश्तो में लिखा हुआ है, वहां तो फारसी में लिखा हुआ है, अरे तुम कितने बड़े खलीफे हो हम जानते हैं, तुम्हारे साथ पुलिस फौज ना हो ना, तुम्हारे साथ पुलिस और ये यहाँ की गुंडी अफसरशाही ना हो तो तुम ये हरियाणा छोड़ के तुम कहाँ मिलोगे, तुम अमेरिका मिलोगे, फ्रांस मिलोगे, इंग्लैंड मिलोगे जी। सर धन्यवाद, आखिरी सवाल जी, अमेरिका में जब प्रधानमंत्री गए थे तो एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछ लिया था जी, हरियाणा में जो हो रहा है उसपे डिजिटल वर्ल्ड में हर जगह खबर जाती है, फिर प्रधानमंत्री जाएंगे बाहर, क्या वहां कैसे अनकंफर्टेबल नहीं लगता होगा? भाई ये आप बताइए, मैं मणिपुर आपको आधे मिनट के लिए लेकर चलना चाहता हूँ, मणिपुर में जो कुछ किया है आरएसएस बीजेपी के राज रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया उनको कोई आत्मग्लानी या कोई उनको शर्म, वो तो इसको हीरोइज्म मानते हैं, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडे हैं जिनको मैं आतंकवादी कहता हूं, इन आतंकवादियों को तो यही इन्होंने शाखा के अंदर और दूसरी जगह यही सबक सीखा है भाई, ये पढ़ते हैं गोलवालकर, मुसलमान इंटरनल थ्रेट 1 है, ईसाई इंटरनल थ्रेट नंबर 2 है, तो ये उसका खेल देख रहे हैं आप, लेकिन सारी दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इस देश का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं,
गांव गांव के अंदर हिंदू हिंदू मुसलमान सिखों की कॉन्फ्रेंसिस हो रही हैं। आज कितनी जगह हुई है, आज 5,000 स्टिकर जो सुबह ही रिलीज हुआ था, वो 5,000 किसानों ने खरीद कर अपने 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 गांव के अंदर, अपने कस्बों के अंदर लगा रहे हैं। इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको जी। इनको कानून छोड़ेगा लेकिन इस देश की जनता नहीं छोड़ेगी। और मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं पुलिस वालों से और अफसरशाही से कि आप सुधर जाइए, नहीं तो इस देश को तोड़ने के अंदर, इस देश को तोड़ने के अंदर जिन्हा का नाम ही नहीं लिखा जाएगा, आपका भी लिखा जाएगा जी। बहुत धन्यवाद। इस देश का कानून अगर सही से काम करे तो इस देश का कानून भी नहीं छोड़ेगा। जनता समझ रही है, जनता अपनी वोट की ताकत दिखाएगी और ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पे एक तरह का अंकुश लगाएगी। आप सुन रहे थे शमसुल इस्लाम साहब को, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर। जय भीम इंकलाब, जिंदाबाद जी।